नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करने वाले हैं आपके साथ, जो कि शायद आपके कुछ ना कुछ किचन टिप्स आपके काम की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही यूज़फुल होगा ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं। अक्सर हम अचार तो बनाते हैं, लेकिन हमारी ये कभी कभी ये समस्या होती है कि हमारा अचार सालों साल नहीं चल पाता या फफूंद जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि जब भी आप कोई भी अचार बनाएं, आंवला, नींबू या आम का, तो इनको बढ़िया से 3 से 4 घंटे पहले ही धुलकर रख लें। उसके बाद जब इसमें एक भी मॉइस्चर ना हो, ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही इसको काटें। यदि ये इसमें एक भी गीला रहेगा ना, तो आपका अचार 100% ख़राब होगा, सालों साल नहीं चल पाएगा। तो इसको ध्यान रखें कि आप बढ़िया से इसको सुखाकर ही इसको काटें। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप पोहा बनाते हैं, तो पोहा को अच्छा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें सौंफ है जो, सौंफ का अच्छा तड़का लगाएं, और अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें बढ़िया से नींबू और शक्कर मिलाएंगे, चीनी, तो इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पोहा को बहुत पहले से धोकर रख लेते हैं, तो हमारा पोहा जब हम बनाते हैं तो ये हार्ड बनता है। तो उसके लिए आपको करना यह है कि जब भी, जैसे कि आप कढ़ाई में पोहा तो डाल दिए हैं, बढ़िया से फ्राई भी कर लिए हैं, तो आपको इसमें पानी के थोड़े किंचे मार देना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसको बढ़िया से पानी मिलाने के बाद थोड़ा मिक्स कर लें, और गैस का फ्लेम स्लो करके इसको ढककर भाप में पकाएंगे। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी कि ये कड़ा था, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको आप फॉलो करें फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम ब्रेड तो लाते हैं, लेकिन हमारे जो लास्ट के ब्रेड बचे रहते हैं, कुछ ब्रेड बच जाती हैं, तो वो रखे रखे फ्रिज में ही रख देते हैं ऐसी नॉर्मल, तो वो हार्ड हो जाती हैं। तो आपको करना ये है, इसको बढ़िया से सेफ रखने के लिए ऐसे बढ़िया से इसको मोड़ लें एक साइड, एक ही डायरेक्शन में, और ये जो बचा हुआ ऊपर का पोर्शन है पॉलीथिन का, इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे। तो ऐसे में आपकी बढ़िया से पैकिंग भी हो जाएगी, आपको रबर वगैरह की, रबर बैंड की, स्टेपलर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। चलिए मैं दोबारा बताती हूँ कि ऐसे बढ़िया से एक हाथ से ऐसे पकड़ लिया और उसको एक साइड घुमा दिया बढ़िया से एक ही तरफ, और जो ऊपर का पोर्शन है ना, इससे आप इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी पैकिंग बनकर तैयार हो गई। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। हम पनीर तो अक्सर लाते हैं या घर पे बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, फ्रिज में भी रखते हैं तो ये कड़ा हो जाता है। तो उसको आपको करना क्या है, ये घर का ही बना पनीर है फ्रेंड्स, इसको नींबू से बनाया है, तो आप इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने इसकी लिंक शेयर किया है। तो आपको इसको सॉफ्ट रखना है, तो आप इसको नॉर्मल पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी ले लें, आप मार्केट से भी ला रहे हैं तो इसको पानी में डाल देंगे, तो इसकी सर्विस 2 से 3 दिन रहेगी, बढ़िया ताज़ा बना रहेगा। हम मार्केट से भी लाते हैं तो पॉलीथीन वगैरह में रखा रहता है, तो वो रखे रखे स्मेल करने लगता है और हार्ड हो जाता है। तो आप पानी में डालेंगे तो ये बढ़िया, इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगी, बढ़िया ताजगी बनी रहेगी और सॉफ्ट रहेगा। तो आप इसको 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आप फ्रिज में रख देंगे तो बढ़िया ताज़ा बना रहेगा। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। हलवाई वगैरह भी जो बेकरी के होते हैं, वो पानी में ही डालकर इसको ताज़ा बनाकर रखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अक्सर हम अरवी की सब्ज़ी तो बनाते हैं, लेकिन अरवी को जब हम उबालकर भी बनाते हैं, तो उबालकर जब इसको छीलते हैं उबले हुए अरवी को, तो हमारे हाथ में चिपकते हैं। तो उसकी ट्रिक यह है कि आप जब भी इसको छीलें, इसके छिलके निकालें, तो ये आप हाथ को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लेंगे हाथ पे, तो इसके छिलके निकालते टाइम आपके हाथ पे अरवी नहीं चिपकेगी और बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक कैसा लगा? यदि आपको कोई भी ट्रिक अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस। तो चलिए फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।